अगर फैमिली ये चाहती है कि भाई साहब के कारोबार में से हर महीने उसे कुछ पैसे दिए जाएं जिससे वो अपना और एमन का गुजारा करे, तो ये कोई गलत बात नहीं। सही कह रही है वो, मैं हिमायत करता हूँ फैमिली। कोर्ट क्यों पड़ेगी? अपना हक मांगना कोई गलत बात है क्या? तुम ही सोचो सायका, कि अगर आज तुम्हारे पास अपना पैसा अपनी जायदाद होती तो क्या फराज भाई तुम्हें छोड़ के बाई ताका चाकी करते? मैं तो कहती हूँ कि तुम भी ना सबीना वापस अपना हिस्सा मांग लो। सर ये आप बस ले लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। बाबा का बिजनेस संभाला तो मुझे ख्याल आया कि यार एजुकेशन इम्पोर्टेंट है यार। मतलब एक कपड़े वाला सीट होने में और एक प्रॉपर बिजनेसमैन होने में सभी आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे ही फर्क है जैसे मैकेनिक के पास जो छोटू काम करता है ना उसमें होता है और ऑटोमोबाइल इंजीनियर में होता है। बिल्कुल वैसे ही। वैसे अच्छा हुआ ना इसी बहाने तुमने फर्दर स्टडीज का सोचा, अब जल्दी से एडमिशन ले लो। हाँ यार मैं हाथ पैर तो मार रहा हूँ लेकिन तुम्हें पता ही है कि वो जाहिर है साल के आखिर में एडमिशन तो मिलता ही नहीं है, अब नेक्स्ट ईयर से होगा जो भी होगा। यप ये तो है। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि स्टडीज से आउट ऑफ टच भी हो गए तो पढ़ाई करना शुरू करो स्लोली स्लोली और जब एडमिशन करीब आए तो अप्लाई फिर करूँगा। यार खैर ये बताओ तुम्हारा सेमेस्टर कब शुरू हो रहा है, अगला कब जा रही हो वापस? यार अभी एक डेढ़ महीने तो यहाँ पे हूँ, जब तक अगर तुम्हें स्टडीज में कोई हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें हेल्प कर दूँगी। मुझे यार बस वो मसला हो रहा था सब्जेक्ट्स वगैरह चूज करने में ना, थोड़ा सा उस पर थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। इट्स ओके, आई विल हेल्प यू आउट, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू फासिल। थैंक यू। खैर खाना क्यों नहीं आया है? मुझे बहुत भूख लग रही है आज। इतनी जल्दी हो गई आज तो? खबर ही ऐसी थी मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं तो ये सोच रही थी अभी बैठे हुए कि जब एनी के अकाउंट में सारे पैसे आ जाएंगे और लेट से के वाकिर और एनी का डिवोर्स हो जाता तो आप तो बैठे बैठे हर मालदार हो गए आप। कितनी बार दिल जीतोगे तुम मेरा? अच्छा एनी कहाँ है? अच्छा अभी बेटी मालदार हुई है नहीं कि अब्बा को फिक्र पड़ गई उसकी? नहीं ये बात नहीं है, ये मैं जानता हूँ मुझे वो कोई अच्छा बाप नहीं समझता। फिर क्या सोच रहे हैं, मतलब किस तरह करेंगे ये सब कुछ, धमकी देकर डराकर? नहीं धमकी और दोष देकर मैं पहले ही ऑफिस और घर में बदनाम हो चुका हूँ, अब नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ मैं प्यार का गुर आजमाऊं। प्यार से मानने वाले लोग हैं नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। मैं बाप हूं उसका, थोड़ा लाड करूंगा प्यार करूंगा पिघल जाएगी। सारी जिंदगी आयशा ने कान भरे उसके, आपको क्या लगता है इतनी मासूम है वो कि आप उसके पास जाएंगे उसे चार प्यार की बातें करेंगे और वो कहेंगे हाँ 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 ठीक है? मैं संभाल लूंगा तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। फिक्र तो करनी पड़ेगी ना, अभी मैं जानती हूँ ना इन लोगों को, फायजा वाले मैटर की बेइज्जती भूली नहीं हूँ मैं। वो बात और थी, फायजा वाली जो बात कर रही हूँ वो और थी, ये बात और है, मैं संभाल लू, मैं बाप हूँ उसका। एक्साइटमेंट हो रही है। आशा जी
तुम ठीक हो? ठीक है। नाराज हो मुझसे? इतने अरसे बाद पलट कर आया हूं, सब प्यार से बात की है, तुम्हारी नाराजगी मैं समझ सकता हूं बेटा। बाप तो हूं ना तुम्हारा, एमन को देखो कैसे अपने बाप के लिए तड़पती है। एमन पे धीरे धीरे आती हो रही है हम बाप के बगैर रहने की। मैं तो इस चीज की कभी आदी हो चुकी हूँ। कल तुम अपने कमरे में नहीं सोई, बाहर सोई। मारा झगड़ा हुआ है फाखर के साथ, मैं परेशान हो गया, मैं इसलिए ये खबर भी आप कि दूसरी बीवी ने आप तक पहुंचाई होगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो बड़ी अम्मा ने कहा है, वो बात करेंगी फाखर से। और मैं कौन? मैं कौन? अब मैं बाप नहीं हूं तुम्हारा, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकता। या कम से कम मैं परेशान तो हो सकता हूँ ना। मगर कहो तो मैं फाखर को अभी ठीक करता हूँ। आपने आपने मेरी जिंदगी के लिए एक ही फैसला लिया था, वो आपने नहीं, वो तो बड़े अबू ने लिया था, लेकिन आपने उनका साथ दी। शादी चल रही है या नहीं चल रही, अपनी बेटी को आबाद करने की फिक्र में उसकी जिंदगी खराब कर दी है, इस बात की टेंशन नहीं है आपको? हाँ तो अब फिक्र हो ही है ना मुझे, अब ख्याल आया है मुझे, मैं आया हूँ तुम्हारे पास। बाप हूँ तुम्हारा, मैं भी दिल रखता हूं, तुम्हें अगर कुछ होता है तो मुझे परेशानी होती है। मैं मानता हूं कि कुछ हालात इस तरह के पैदा हो गए थे कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सका, और इसमें तुम्हारी माँ का बहुत। माँ को कुछ मत बोलिए, वो वैसे भी हमारे सामने आपको कुछ बोल नहीं सकती, पर हमारे बीच दूरियां पैदा करने वाली मेरी माँ नहीं, आपकी बीवी। अच्छा चलो सब खत्म करते, छोड़ो सारी बात।
अब हम बाप बेटी अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू करते। जहां तुम मुझे अपना बाप समझोगे, बाप अपना मुहाफिज समझोगे, ठीक है? ठीक है। पहली दफा आपको मुझे प्यार किया था जब मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया था, मेरा पहला दिन। दूसरी दफा जब मेरी शादी हो रही थी और मैं रुक सकती हुई थी, उसके बाद आपने मुझे आज पूरी किया। पर मेरे लिए अब वही हैं जो आप पहले थे। मेरे दिलो दिमाग को ये बात यकीन करने चाहिए उस ठीक है बेटा, ठीक। आप कॉल करके खुदा का वास्ते ये मत पूछिएगा आज ऑफिस क्यों नहीं आया। एक छुट्टी तो एक मामूली एम्प्लॉय को भी मिल जाती है, मैं भी इंसान हूँ। अरे मैंने इसलिए कॉल नहीं की तुम्हें, मैं तो ये कह रही थी कि तुम घर आ जाओ और मैं तुम और एनी मिलकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं। मतलब आप नाराज नहीं है मुझसे आज ऑफिस ना आने पे? नहीं, मैं तुमसे भला नाराज क्यों होंगी? बिल्कुल भी नाराज नहीं, भूल गए हो तुम? जब तुम्हारे बाबा तुम्हें डांटा करते थे तो कौन बचाने आता था? मैं ही थी। एक सेकंड, आप ही का नंबर है ना? अच्छा ज्यादा बातें नहीं करो, जल्दी घर आ जाओ, मुझे भूख लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। लगता है एनी को मजे की चीज बनाई है। कुछ अच्छा अच्छा नहीं बनाया होगा, टिंडे टमाटर कुछ इसी तरह की चीज बनाई होगी उसने। अच्छा अच्छा ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहेगा वो बनवा दूंगी, बल्कि बाहर से मंगवा दूंगी। तुम घर पहुंचो। आ रहा हूँ, रुके। भाई सच्ची बात है, आज तो एनी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया, शिमला मिर्च भी और ये आलू कीमा तो बहुत ही अच्छा। ये बच्ची माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ माशाल्लाह, खाना तो अच्छा बनाना सीख गई, अब बड़ों की इज्जत करना भी सीख जाए तो। खामोश रहो ना एनी, मेरी बेटी है, उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता। आपको याद है ये बात कि एनी आपकी बेटी है? वाकई?
हाँ याद है मुझे, और मुझे ये भी याद है कि तुम मेरी बेटियों की माँ हो। और वैसे भी बच्चियों के जहन में जो भी जहर घोला गया है वो माँ ने ही घोला है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आयशा ने बच्चों की तबीयत बहुत अच्छी की है, उन्हें अदब एहतराम से खाया है, अपने बाप का भी, चाहे बाप कैसा भी हो। चाहे बाप कैसा ही क्यों ना हो, सही बात है भाभी, मैं बहुत अच्छा बाप नहीं रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये खुश रहे, यानी खुश रहे बस। अच्छा, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने मुझे खुश रखा हुआ था, ऐसे ही चाहते हैं कि एनी खुश रहे? नहीं भाभी, मेरा फैसला है कि ऐसे खुदगर्ज, जालिम और लापरवाह इंसान को कभी माफी ना मिले। गवाह आप भाभी, गवाह आप। शख्स ने मेरी बच्चियों की स्कूल की फीस, उनके कपड़े धुलने, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात आज तक पूरी नहीं की। यही शख्स था जिस छुपके सी बच्चे की शादी करके उसको जहन्नुम में डालती, यही पेश था। आज बाप बना बैठा है। नहीं, नहीं मिलेगी तुम्हें माफ, नहीं, ये तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी है। मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटी को लेके, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं बात करता हूँ वापिस, करता हूँ मैं बात वापिस। मुझे जाना है, मुझे जाना है मैम। फेमी, मुझे बात करनी है तुमसे, प्लीज रुको ना। राहिला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं यहाँ अपने भाई से बात करने बैठी थी। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि उस आयशा को तुम माँ बहने ही ब्याह कर लाई थी इस घर में। वो बेवकूफ है तो तुम्हों को अच्छी लगती है। लेकिन एक बात बता दो, जो मेरे से वफा करेगा ना वो फायदे में रहेगा, चूंकि मैं वफादार भी हूं और अकलमंद भी। क्या मतलब ये कि अगर कारोबार तुम्हारे पास नहीं आ रहा है तो तुम कारोबार के पास चली जाओ। मतलब दोनों बहने ना बहुत ही सीधी, इसी वजह से तो समीना भाभी हुकूमत करती हैं तुम लोगों पर। वो इस घर में अम्मा के फैसलों की वजह से हुकूमत कर रही है और कारोबार पे जो भी है। लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि समीना भाभी के बाद ये सब कुछ किसका है, कि घर जायदाद सब हमारे क्राउन प्रिंस की ही तो है फाखे की। तुम आखिर कहना क्या चाहती फहमी?
जो मैं देख रही हूँ ना वो तुम नहीं देख रही। एनी और फाखिर के हालात सही नहीं चल रहे। मुझे लगता है कि जो कुछ उन दोनों के बीच है वो खात्मे की तरफ जा रहा है। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो राहिला? अगर एनी को तलाक होगी तो कौन लेके जाएगा उसे? एनी को छोड़ो ना, फाखिर की सोचो। मैं तो कह रही हूँ कि खाली जगह पुट करो, हेमंत को तैयार करो। मजा तो तब आएगा जब हमारे पास भी पैसा हो और फहमी के पैसे में भी हमारा हिस्सा हो। मुझे यकीन था कि आप अब सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं ऐसा। एक बात बताऊं, सोचा उसके बारे में मैंने? कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में। क्या सोचा? मुझे पता है तुमने बहुत जबरदस्त प्लान बनाया होगा। बताओ। बनाया है लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। अफसोस होता है मुझे तुम्हारे लिए। जिस लड़के को 10 साल बाद एक हैंडसम सा दूल्हा बनना था वो परेशान हाल बाप और शौहर बन के घूम रहा होता। रहिला जी, अगर आपको ये लगता है कि मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत है तो बिल्कुल गलत है। फिलहाल थोड़ा सा थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। सच तो ये कि तुम्हें इस शादी ने कहीं का नहीं छोड़ा है फाखिर। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी मानो तो एक नई शुरुआत करो। मतलब क्या है आपकी इस बात का जरा? मतलब ये है कि इन फुसूल के रिश्तों और जिम्मेदारियों से जान छुड़ाओ ना। क्या लेना देना तुम्हारा? अपनी अम्मा के अकलौते बेटे हो तुम फाखिर। अगर कुछ दिन के लिए घर से फरार रहोगे ना, सर के बल खड़ोगे मानेगी तुम्हारी हर बात। लेकिन तुम तो अपने बारे में सोचते ही नहीं। काश मुझे जिंदगी गुजारने के लिए ना आपके मशवरे की जरूरत होती। अगर आपको ऐसा लगता है तो नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कुछ कहना चाहती? सुननी तो है नहीं तुमने वैसी। बिल्कुल ठीक कह रही है, थैंक यू। हाय जुबी, ऐसे तो ना कहो, हम तो हमेशा हमेशा के लिए बाहर मिल जा रहे हैं। तुम्हें किसने बताया? जा कहाँ रहा है? क्या कोई? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एमन, तुम अब तक उस तट मुझे गरीब ट्यूटर के पीछे पड़ी हुई हो? वो अपने बहन भाई के घर शिफ्ट हो गया है कुवैत में, और अब वो गरीब नहीं रहेगा। कुवैत जाए या जापान, मुझे जहर लगता है वो। मेरी दोस्त जूबी अभी नए घर में शिफ्ट हुई है और इतफाक से हमजा के पड़ोस में ही है। तो वो बता रही थी कि वो अपने बहन भाई के साथ रहेगा और वो उसकी जॉब भी लगवा देंगे। अच्छा, तो अब वो अपनी बहन के टुकड़ों पर पलेगा। देखो अमन, मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। मैं नहीं कर सकती है। जितना वो आपको ना पसंद है ना, उतना ही मैं उसे पसंद करती हूँ। मम्मी, देखो एमन, तुम्हारे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चाहती हूँ कि हम माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बन के रहें। तुम मेरी आंखों के सामने रहो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही? नहीं, मैं नहीं समझ रही। क्या कहना चाहती हैं?
एमन, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करके इसी घर में मेरी आंखों के सामने रहो। और वो कैसे होगा, क्योंकि इस घर में तो सिर्फ एक ही लड़का है, सायका खाला का बेटा, और वो मुझसे अच्छा खासा छोटा है। फालतू की बातें मत करो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं तो फाखिर की बात कर रही। क्या फाखिर? वो तो एनी का हस्बैंड है। तलाक होने वाली है दोनों की। क्या कह रही है अम्मी? खैर, ऐसे जबरदस्ती के रिश्तों का तो यही अंजाम होता है। पर आपको किसने कहा कि मैं एक तलाक के याफ्ता और एक बच्चे के बाप से शादी करूंगी? सर, हेलो। हाँ हमजा, तुम्हारी कॉल। कैसे? आखिरी कॉल है मेरी, जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? वो मेरे बहन और साजिद भाई है ना, कुवैत में। काफी अरसे से बुला रहे थे मुझे, बस वहीं। बहुत अच्छी बात है, मुल्क छोड़ के जा रहे हो, बाहर जाओगे तो तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा होगा। सोचा था यहाँ रहूँगा, मुस्तकबिल बनाऊँगा अपना, बहुत सारी चीज़ें हैं वो करनी है, वो करूँगा मैं। जो सोचता है ना वो होता नहीं है उसके साथ। ऐसी बात मत करो, बाहर जाओगे, करियर बनेगा तुम्हारा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। और वहाँ पे तुम्हारी बहन और बिनोई भी रहते हैं मेरे ख्याल से, तो तुम्हारे खाने पीने का और रहने का भी मसला नहीं होगा। तुम तो बहुत खुश होगी ना? नहीं, वो जाने अनजाने में मैंने पता नहीं कितनी मुश्किलात पैदा कर दी तुम्हारे लिए, पता नहीं मेरी वजह से कितने मुश्किल में पड़ गई होगी तुम। अगर हो सके ना मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुश्किलात मैंने नसीब में लिखी हुई थी, और अगर तुम नहीं देते तो शायद कोई और दे देता। लेकिन बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि तुम एक बहुत हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, और मुझे ये बात भी पता है कि तुम अपने फ्यूचर के साथ कुछ कर पाओगे। बेस्ट ऑफ लक हमजा, अपनी बहन को मेरी तरफ से सलाम कहना और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। फैमिली से क्या बात कर रहे थे? मैंने देखा था आपको। वो पीछे पड़ी हुई है वो मेरे, उसको ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कहां से उसको पैसा निकाल के दे सकता हूँ, वो ऐसे समझ रही है। दे तो सकते हैं ना, बेटी के पास जो आने वाला है, लेकिन हम लाएं क्यों? हर आदमी अपनी अपनी मेहनत खुद करे। क्या मतलब? मतलब ये कि समीना भाभी से पैसे निकलवाने के लिए अपना अपना रास्ता सब खुद बनाए, वो अपनी कोशिशें करें, हम अपनी कोशिशें करें। हाँ
आपको मजा तो तब आएगा जब हमारे पास भी पैसा हो और फहमी के पैसे में भी हमारा हिस्सा हो। मुझे यकीन था कि आप अब सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं ऐसा। एक बात बताओ, सोचा उसके बारे में मैंने कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में। क्या सोचा है? मुझे पता है तुमने बहुत जबरदस्त प्लान बनाया होगा, बताओ। बनाया है लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। फिर थोड़ा सब्र बताऊंगी। सोचा है मैंने, आपको पता है ना मैं अपने और आपके बारे में कुछ अच्छा सोचती ही रहती हूँ, हर वक्त यही करती रहती हूँ। ठीक है, सॉरी कल जरा गुस्से में था, बाहर जाने से सुबह रोकना चाहिए था मुझे। मैं भी गुस्से में थी क्योंकि एक बीवी भी गुस्से में हो सकती है फखर। सॉरी एक्सेप्ट नहीं करोगी? कर लिया। गलती मेरी भी थी, कमरे की लड़ाई बाहर तक नहीं लेके जानी चाहिए थी मुझे। बात बताओ यार, हमसे है ना बाहर जा रहा है वो अपना फ्यूचर ढूंढने के लिए। अच्छी बात है, जाए बाहर पढ़े लिखे जॉब करे काबिल बने। बस एक तुम और मैं ही हैं जन का फ्यूचर ऐसा खोया है कि पढ़ता ही नहीं। क्या सब उधर स्पेशल किया था ना हमारे घर वालों ने हमारे फ्यूचर को लेके? बात करती है जीत। मेरा का फैसला था लगाना तो पड़ेगा। मेरे ख्याल से फिर ये भी बोल सकती ना, ये भी यही कहते हैं दोनों का मूड अच्छा हो गया तो जरा तमीज से एक दूसरे से बात कर लेता। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ? थक गया हूँ। इसके अलावा जो बाकी अच्छा कुछ अच्छा वो था वो बाहर आई ना आंटी मिली बर्बाद कर दिया। क्या बात किया हमने तुमसे पर वो हमारे कुछ नहीं लगते। थे आई घटिया मशवरे दे रही थी, कह रही थी अगर जिम्मेदारियों से या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचना हो घर से भाग जाओ। क्या हो गया? कहीं नहीं जा रहा हूँ यार। तुम्हें लगता है उनकी बातों से मुझे असर पड़ा? चुप ही नहीं हुआ है।
है। अच्छा फाखिर, बड़ी अम्मी ने कहा था कि तुम्हारे लिए दलिया बना दो, तो बना के मैंने रख दिया। फाखिर, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारे पेट में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा और तुम जाग भी हुए हो, लेकिन फिर भी बड़ी अम्मी के कहने पे मैंने बना के रख दिया साइड टेबल पे, खा लेना। चलो हम सबके लिए नाश्ता बनाते हैं, आ जाओ आ जाओ। आइए जी। हार्वर्ड सर। हाँ मैडम, बुखारी गारमेंट्स वाले के साथ जो ऑफिस में आपकी मीटिंग होनी थी वो उसका मेन्यू चेंज करना चाह रहे हैं, लंच पे बैठना चाह रहे हैं वो लोग। लंच पे मैं क्यों जाऊँ उनके साथ लंच पर? मैडम, इतने बड़े ऑर्डर्स के लिए उनसे पीआर बनाने के लिए लंच तो डिनर करवाने पड़ते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मुझे बता दें, मैं हबीब साहब को। नहीं नहीं नहीं, हबीब साहब को कहने की ज़रूरत नहीं है, फाखिर भी बीमार है। और अच्छा ठीक है, आप तो चल रहे हैं ना मेरे साथ, आप टाइम और जो जगह है वो कंफर्म करें तो मुझे बता। ठीक है, और मैडम हबीब साहब को इन्फॉर्म करना है? मेरा ख्याल है मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुकी हूँ, अगर आपको समझ आई हूँ तो। ओके मैडम। हम जल्दी जल्दी से लंच करेंगे, मुझे ना घर पे जाके असाइनमेंट बनाना, आज डेडलाइन थी मेरी। ये भी सही है भाई, असाइनमेंट्स भी कर रही हूँ साथ छुट्टियों पे, सोशलाइज भी कर रही हो, हिम्मत वाली बात है भाई। अच्छा तुमसे एक चीज़ मुझे पूछनी थी। यार वो सब्जेक्ट्स के हवाले से ना मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कि कौन से लूँ, थोड़ा सा आइडिया चाहिए था बस। फाखिर तुमने अभी तक सब्जेक्ट सेलेक्ट भी नहीं किया यार, कितने लेजी हो गए हो तुम। लेजी नहीं हो गया हूँ यार, कैसी बात कर रही हो, फंसा हुआ होता हूँ यार कामों में, ऑफिस में अंकल बन के बैठ जाता हूँ जी, बैठा हूँ कुर्सी पे, फाइल जा रही हैं, कभी कोई आ रहा है मीटिंग के लिए, कभी कोई बात करने आ रहा है, मेरे तो सर के ऊपर से जा रही है, तो समझ ही नहीं आ रहा होता मुझे, उसमें फंसा हुआ होता हूँ यार मैं। फिर घर जाता हूँ तो असली में एक बुजुर्ग बन जाता हूँ, साथ में बेटी भी होती है, फिर बेबी को भी देखना है जी। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम लोगों को इस चीज़ में फोर्स किया है। एनीवेज बताओ, एनी कैसी है, खुश है? कहाँ खुश होगी यार बेचारी, वो भी जाहिर है ज़बरदस्ती की शादी में फंसी हुई है, मेरी तरह वो भी सफ़र कर रही है। यार मुझे लगता है तुम लोगों को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए किसी भी हाल में, और बाकी जो तुम्हारे और एनी के इश्यूज हैं उनको तुम रिजॉल्व करने की कोशिश करो, सॉर्ट करने की कोशिश करो। हाँ था, सोचा न था ऐसा मला।
पर